सच में आज देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत चिंता का विषय है। रुपया फिसलता जा रहा है, रुपए की जो ताकत थी वो कमजोर होती जा रही है। कहां तक जाएगा रुपया फिसलते हुए किसी को कल्पना नहीं है। भारत को लोग मानते थे कि केवल भारत के ही उद्योगपति इस देश में निवेश नहीं कर रहे, लेकिन 1991 के बाद ये मानते थे पूरी दुनिया से लोग आते थे और उनको हम अपेक्षा करते थे कि ये देश इतना आकर्षक स्थान है कि यहां आकर निवेश कीजिए। पिछले एक वर्ष में जो पिछला वर्ष था वहां से ये विषय आरंभ हुआ कि जो बाहर से निवेश करने आ रहे थे उन्होंने तय किया हम निवेश नहीं कर सकते, भारत एक आकर्षक केंद्र नहीं रहा निवेश का। और केवल बाहर से आने वाले छोड़िए, जो अपने देश में थे बड़े बड़े उद्योगपति, पहले हमें गलतफहमी थी कि ये बाहर इसलिए जा रहे हैं कि इतने बड़े हो गए, लेकिन धीरे से समझ में आया कि इनको ये लगने लग पड़ा कि हमारे लिए भी भारत निवेश का अच्छा स्थान नहीं रहा और अपने उद्योग लगाने हैं तो विदेशों में जाकर लगाओ। मुद्रास्फीति 3 साल से उस पर नियंत्रण नहीं है, रुपया कमजोर हो गया, कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है 8% 10%, होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है और 3 साल से। और जब थोड़ा सा कम होता है उसका यह अर्थ नहीं होता कि कीमतें कम हो रही हैं कि 11% से 9% पे हो गया, उसका अर्थ यह है कि पिछले साल 11% पे बढ़ रही थी, इस साल 9% पे बढ़ रही है, बढ़ इस साल भी रही है। और सरकार के पास उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था कि ब्याज की दर बढ़ाते जाओ, 11-12 बार ब्याज की दर बढ़ा दी। और जब ब्याज की दर बढ़ती है तो किसी को उद्योग लगाना है, किसी को व्यवसाय करना है, उसके लिए रुपए की कीमत महंगी हो जाती है। आप बैंक से पैसा लेंगे वो महंगा हो जाएगा, तो दुनिया में जिनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं उनको 4%, 3%, 5% पे रुपया मिलता है, यहां 14%, 16% पे मिलता है। तो अगर हमारा उद्योग लगाने वाला या व्यवसाय करने वाला 10% महंगा रुपया मिलेगा उसको, तो उसकी स्थिति क्या होगी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कांग्रेस के राज में हमेशा जिसके ऊपर नजरअंदाज किया गया और वाजपेयी जी की सरकार में हाईवेज बनाना, बंदरगाहें बनाना, ये सारी योजनाएं जो ली थी, 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पारित करना और उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर सुधार लाना, वो सारा काम ठप हो गया। आज देश में बिजली बनाने के जो कारखाने हैं वहां कोयला नहीं पहुंच रहा, और अगर बिजली की पैदावार कम हो गई तो स्वाभाविक बिजली और महंगी हो रही है। जब बिजली महंगी होती है तो जो कारखाना लगाता है वो भी महंगा हो जाता है। आपकी सड़कें नहीं बनेंगी, जो हाईवे का कार्यक्रम था जो वाजपेयी जी ने आरंभ किया था वो भी धीमा पड़ गया। बंदरगाहों से अगर माल विदेश में भेजना है या देश के अंदर लाना है तो 8-8, 10-10 दिन वहां पर माल खड़ा रहेगा, वहां स्थान नहीं मिलता। और फिर दुनिया के लोगों को और देश के लोगों को लगता है कि इस देश में व्यवसाय करना, उसमें नुकसान भ्रष्टाचार की वजह से भी होता है। ये सारे कारणों को लेकर अर्थव्यवस्था का जो आकर्षण था जो 1991 में बना था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिस अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने हम खड़ा करते थे, शोकेस करते थे,
वो कमजोर पड़ रही थी और सरकार की आलोचना थी कि तुम कर नहीं रहे कुछ, एक भ्रष्टाचार में उलझे हुए हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है ना कुछ, आपको नीतियां लानी है आप नहीं ला रहे। तो एक झटके में मैं कुछ कर दूं और बिना गहराई से सोचे हुए कि आर्थिक सुधार भी करने हैं, और वाजपेयी जी की सरकार के जमाने से और उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी तो आर्थिक सुधारों की एकदम समर्थक रही है, लेकिन हर सुधार या हर कदम जो उठाया हुआ अपने आप में सुधार नहीं होता। कुछ कदम ऐसे हैं जो देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाते हैं। अब आज कोशिश कीजिए कि चीन के अंदर जितनी सामान बनता है वो सस्ता बनता है, आज बाजार में आप देखते हैं चाइना का सामान आता है, आप भारत के सामान को सस्ता क्यों नहीं हम कर सकते? कई सुधार हैं आपको ये करने के लिए, आपने उसमें से एक कदम नहीं उठाया, लेकिन तीन चार पांच साल से बिल्कुल ठप रखी अर्थव्यवस्था, चलिए हम एक कदम उठाएंगे इससे साहर मर्ज की दवाई हो जाएगी, कीमतें भी कम हो जाएंगी, उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिल जाएगा, किसान को ज्यादा कीमत पे सामान मिल जाएगा। एक प्रचार खड़ा किया और उस प्रचार में खुद ही फंस गए। मुझे याद है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो व्यवसाय होता है, व्यापार होता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं व्यवसाय के, चाहे किसी देश से एक तरफा करें या WTO के माध्यम से करें, तो ये कहीं चैरिटी करना या कोई दान देना नहीं होता, ये व्यवसाय होता है। और व्यवसाय का एक सिद्धांत है कि जो दूसरे के लोग को आप दोगे उसकी कीमत लोगे, और जो दूसरा आपको देगा उसकी आप कीमत दोगे। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई चैरिटी की संस्था नहीं है कि जहां आप जाकर परोपकार का काम करोगे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आरंभ से मांग करते रहे कि अपने खुदरा व्यापार को खोल दीजिए, और भारत हमेशा मना करता रहा। वाजपेयी जी की सरकार के दौरान कई बार सुझाव आते थे, हम हमेशा मना करते थे। सरकार के भीतर से भी किसी ने आवाज उठाई, हमने तब भी मना किया, और उस पर खड़े होकर कांग्रेस के लोग कहते थे, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर आपने खोला, ये कांग्रेस पार्टी ने संसद में कहा हमारी सरकार को चेतावनी देते हुए, तो ये एंटी नेशनल होगा। हमने तो यही कहा कि अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा, ये तो एंटी नेशनल कहते थे। कांग्रेस की भी नीति स्पष्ट थी। उनकी मांग को हम हमेशा अस्वीकार करते थे। जब कांग्रेस की सरकार आई, मुझे याद है कि वाजपेयी जी की सरकार में मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, कई बार ये डिमांड आती थी, हम अस्वीकार करते थे। मेरे बाद कांग्रेस की UPA की सरकार में कमलनाथ जी आए, उनके कई बयान हैं कि हम किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अचानक आपने ये स्वीकार कर लिया और एक प्रकार से भेंट के रूप में उन देशों को यह भेंट दे दी। इसके बदले में आपको क्या लाभ मिला? इसके बदले में आपको क्या लाभ मिला? कोई उत्तर नहीं है। आप इस देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र देखिए, ये बहुत बड़ा देश है, 120 करोड़ हमारी जनसंख्या है, हम कोई यूरोप का छोटा सा देश नहीं जिसमें सीमित जनसंख्या हो, 120 करोड़ लोगों के हाथ को काम देना ये कोई सरल चुनौती नहीं होती। और इस 120 करोड़ के देश में 60% लोग कृषि में हैं, और जो कृषि की आमदनी है राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनके, GDP का हिस्सा बनके, वो सेवर 16-17% रह गई। तो 60% लोग तो 16-17% के ऊपर निर्भर है।
जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है वो 24% के करीब है और बाकी 58% से ऊपर इस देश की सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं। जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस देश में, आपको कल्पना है कि 120 करोड़ के देश में कितने, हर बच्चे तो काम नहीं करते, महिलाएं भी कम काम करती हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो केवल 18% लोगों के पास है। 30% लोग वो हैं जो यहां बेरोजगार हैं या कैजुअल लेबर हैं। खेत में काम मिल गया, सड़क पर काम मिल गया तो कर डाला, और जिन्होंने स्वयं अपने काम के माध्यम से अपने हाथों को काम दिया है, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो इस देश में 51% लोग हैं। 51% लोग जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन काम करते हैं और अपने हाथों से अपने लिए काम करते हैं। इस 51% में सबसे बड़ा हिस्सा है किसान का, जो खेत में, कृषि क्षेत्र में काम करता है। और दूसरे नंबर पर स्थान आता है जिसकी संख्या 4 और 5 करोड़ के बीच में है। सन 98 में जो अंक आए थे तो उसमें 4 करोड़ थी, आज 13 साल हो चुके इसलिए बढ़ गई होगी। वो केवल खुदरा व्यापार में, जो रिटेल सेक्टर है इस देश का, इसमें 4 और 5 करोड़ के बीच में लोगों का ने स्वयं के लिए रोजगार दिया हुआ है। यह इस देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र है। आप कई बार कल्पना करेंगे, और हम में से कई किसी को, जिन जिनको विदेश जाने का अवसर मिला, ये जो बड़े स्टोर हैं जो आते हैं, आने का जिनका नाम चल रहा है, वॉलमार्ट इत्यादि, दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। आप अगर अमेरिका चले जाएं और न्यूयॉर्क शहर में चले जाएं तो आपको एक भी वॉलमार्ट स्टोर नहीं मिलेगा, शहर के बाहर मिलेगा। तो मैंने हमेशा पूछा, इतनी चर्चा सुनते हैं कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो आपने अपने शहर में क्यों नहीं वॉलमार्ट दिया हुआ, शहर के बाहर क्यों दिया हुआ है? तो ने कहा, जिस दिन, जैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री भी होते हैं, महापौर भी होते हैं, वहां का जो ढांचा है, जो मेयर न्यूयॉर्क का होता है, लॉ एंड ऑर्डर, म्युनिसिपल अधिकार सारे उसके पास होते हैं, तो उसने कहा जिस दिन न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट खुलेगा उस दिन मेयर को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। और जहां से आरंभ हुआ वहां के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर में भी खतरा इस बात का है कि एक स्टोर आएगा तो कितने ऐसे हैं जिनको वहां से हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस करेगा और बेरोजगारी होगी। लेकिन इस विरोध का मेरा पहला तर्क यह नहीं है। मेरा पहला तर्क यह है, और जिन लोगों ने हमारे जो वक्तव्य आए हैं पार्टी के, यहां लेख समाचार पत्रों में आए हैं, पढ़े हों, इनमें जो सामान बिकेगा, व्यवसाय का एक सिद्धांत है कि जो उपभोक्ता है वो चाहता है कि सबसे सस्ता सामान मिल जाए, और अभी सस्ता सामान बनाने की आपकी अपनी क्षमता नहीं हुई। जो आज का खुदरा व्यापार है, रिटेल ट्रेड है, वो स्थानीय स्थानों से उसको लेता है, थोड़ा बहुत सामान सस्ते देशों से आ जाता है, चाइना वगैरह से। जो इंटरनेशनल चेन्स आती हैं उनका पहला सिद्धांत होता है जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं वहां से अपना सामान लाया जाए, क्योंकि सस्ता वहां से मिलेगा। अमेरिका में जब रिटेल चेन आनी आरंभ हुई और बाहर से सामान आने लग पड़ा, तो उनकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र था, उसमें जो रोजगार था अमेरिका में स्वयं 18% कम हो गया, क्योंकि वहां के स्टोर पे जो जूता मिलेगा, जो पतलून मिलेगी, कमीज मिलेगी, और समय आएगा तो अब महिलाओं की साड़ी और सूट भी, रसोई में काम करने का सामान भी, जो आपके अपने उद्योग होंगे उसका ना होके बाहर के उद्योग का आएगा, जो भी सस्ता वहां मिलता है। तो इसलिए कोई भी आपको अर्थव्यवस्था के अगर पहला सबक सिखा देगा, तो अगर आपको लाना था तो ये लाने से पहले वो 5-6 कदम आप उठाते कि आप अपने देश को एक सस्ता मैन्युफैक्चर करने वाला, जिसको लो कॉस्ट इकोनॉमी कहते हैं,
लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आप पहले वो कदम उठाते हैं कि आपके अपने देश के अंदर सामान कौन सा बिकेगा, अन्यथा स्टोर अमेरिका और यूरोप का होगा, सामान चाइना का होगा, तो क्या भारत की आने वाली पीढ़ी क्या सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल रह जाएगी या फिर उपभोक्ता रह जाएगी उनकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए? तो आपने ब्याज की दर 14% और 16% कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक दिया, धीमा कर दिया, मुद्रास्फीति 3 साल में आप नियंत्रित नहीं कर पाए, तेल के ऊपर 52% आप टैक्स लगाते हैं ताकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाए, बिजली की दर आपकी दुनिया की तुलना में सबसे अधिक है, तो आपकी हर नीति की वजह से इस देश में जो सामान बनता है स्वाभाविक रूप से महंगा होगा। यूरोप अमेरिका से सस्ता होगा लेकिन जो सस्ती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे महंगा होगा।